हाय, माय नेम इज़ ब्रजेश रत्नेश्वर झा। मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ, जो झारखंड में है, एक छोटा सा शहर है। मैं वहाँ से एक सपने संजोए हुए बॉम्बे शहर में आया। ऑफिस भटकता था, ऑडिशन देता था। एक्टिंग तो होना ही चाहिए एक एक्टर बनने के लिए। अगर एक्टिंग नहीं होगी तो आप बेकार मेहनत कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो अपने में एक्टिंग को निखार लाना चाहिए, एक्टिंग सीखना चाहिए। एक्टिंग सीखने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो करना चाहिए, कहाँ सीखना है वो जानना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं आपके पास। अगर मान लिया जाए आपको एक्टिंग आ भी गई, तो क्या ज़रूरी है कि कोई आपको चांस दे दे? अगर चांस दे सकता है तो वो है एक्टिंग से। मैं बहुत भटका, बहुत भटका। अरे, हज़ारों की भीड़ लगी हुई थी, उसमें मैं भी एक पीछे में बैठा खड़ा था। इसी तरह अंदर घुस पाया उस दिन में। मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था वो। फोन आया और कहा कि एपीसी से जुड़े हुए हैं, वो काम की कमी कैसे हो सकती है? मुझे बहुत खुशी हुई। और आप भी जुड़ सकते हैं एपीसी से, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेन्युइन है। और यहाँ कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं, सक्सेस जैसे सफलता का रहा कि यहाँ तक मैं किसी तरह पहुँच पाया। और मुझे कॉल आया कि आपका कल शूट है। कल? तो फिर फोन आया, कल नहीं, दो दिन के बाद है, आप जो है तैयारी कर लीजिए बढ़िया से। बहुत अच्छा लगा, वहाँ का इतना अच्छा माहौल था। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वैसे ही वेलकम करने के लिए सब लोग, सब कहने का मतलब ये नहीं कि आप शादी में जाते हैं, उस तरह का वेलकम नहीं था, लेकिन वैनिटी थे, लाइट्स वगैरह सब एकदम पूरा ऑल वेल अरेंज था। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एफटीसी।